जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राज शिवम और आप देख रहे हैं राज शिवम स्टडी पॉइंट चैनल। तो एक बार फिर से लेकर आ गया हूं मैं आप लोगों के सामने वॉइस वर्ड्स मीनिंग का संग्रह। तो चलिए ज्यादा देरी न करते इस वीडियो को शुरू करते हैं और ये इस वीडियो का सातवां पार्ट है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसके पहले की छह वीडियो ऑलरेडी अपलोड हैं, जिनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो इनको शुरू करते हैं। जैसा कि ऑलरेडी नोट्स में लिखा गया वॉइस वर्ड्स मीनिंग, इसमें जो पहला वर्ड है वो है यस्टर्न, मतलब होता है गत दिवस संबंधी, यानी पिछले दिनों से संबंधित। यस्टर्न होता है, इंग्लिश होती है और स्पेलिंग होती है यस्टर्न की, वाई ई एस टी ई आर एन। यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल, स्पेलिंग होती है वाई ई एस टी ई आर डी ए वाई। यस्टर नाइट मतलब बीती रात, वाई ई एस टी ई आर एन आई जी एच टी। जीएसटी मतलब फेंदार या जागदार, वाई ई एस टी वाई। गेट मतलब फिर भी, वाई ई टी। यू मतलब होता है सर्वदा हरा रहने वाला वृक्ष, यू से ही यूवेन होता है। यूवेन मतलब होता है यू वृक्ष, ये जो पिछला वाला वर्ड है इसी वृक्ष का बना हुआ कोई सामान, उसको यूवेन कहा जाता है। यक्स मतलब होता है हिचकी लेना, हिचकी आना, वाई ई एक्स। यिडिस मतलब परदेशी यहूदियों की भाषा, जो विदेश में रहने वाले यहूदी धर्म के लोग हैं उनकी भाषा को इंग्लिश में यिडिस कहा जाता है। यील्ड मतलब होता है उत्पन्न करना, वाई आई ई एल डी। अगला है यील्ड एबलनेस, मतलब अनुकूल प्रकृति, वाई आई ई एल डी ए बी एल ई एन ई डब्ल्यू एस, यील्ड एबलनेस। यील्डेंस मतलब होता है स्वीकृति, वाई आई ई एल डी ए एन सी ई। यील्डर मतलब स्वीकार करने वाला, वाई आई ई एल डी ई आर। यील्डिंग मतलब अनुकूल, स्पेलिंग होती है वाई आई ई एल डी आई एन जी। यील्डिंगली मतलब समर्पण करते हुए, स्पेलिंग वाई आई ई एल डी आई एन जी एल वाई। तो इस प्रकार से वाई से वर्ड्स मीनिंग का ये सातवां पार्ट भी आज होता है समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। आपके अगर मन में कोई अलग से टॉपिक चल रही हो तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं आने वाले वीडियोज में उन टॉपिक पे भी वीडियोस बनाऊं। और बनाने से पहले मैं आपका नाम भी वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा कि आपके कहने पर ये वीडियो बनाई जा रही है। तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड थैंक यू, एंजॉय।